रिएक्शन पे कूदने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन पुश करो, खुश रहो। दोस्तों जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आलिया भट्ट को और उन लोगों को भी जिनका आज जन्मदिन है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, और यहाँ भी इन्होंने आलिया भट्ट के जन्मदिन पे एक्चुअली एक पीप आउट की है 31 सेकंड्स की। वी डोंट नो कि इसमें मूवी से रिलेटेड कुछ होने वाला है या सिर्फ उनका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है सेट्स पे, कैन बी एनीथिंग। सो ये तो सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, बाकी इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे दोस्तों। राइट, हियर वी गो। ये तो वाह, हमें ऐसे सेम सीन रणवीर सिंह के साथ, कपूर के साथ भी था। क्या बात है, वाओ, टू कैरेक्टर्स, वाओ, ओ वाओ, ओ हो, क्या बात है यार। तो भाई साहब आलिया भट्ट तो एक नेक्स्ट लेवल ही लग रहे हैं भाई। इस मूवी से बहुत सारी उम्मीदें हैं भाई, बहुत जो VFX का काम किया है ना, अभी छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं उन्हीं में ही देख के नजारा आ जाता है, एकदम मजा आ जाता है यार देख के। बहुत ही ज्यादा जिस तरह से एंट्री है सेम ऐसे ही रणबीर कपूर की भी एंट्री थी, सॉरी मेरे से सेम निकल गया, बट दिस इज द टाइम फॉर रणबीर कपूर नाउ। मतलब 2 साल या 3 साल हो गए इस मूवी के पीछे उनको काम करते हुए, और कोई और प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के साथ वो लगे रहे डेडिकेशन के साथ, एंड फाइनली अब उसकी चीजें रिलीज होते जा रही हैं के करके, और बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें नजर आ रही हैं। खैर आज यहाँ पे आउट हुआ है आलिया भट्ट का टीजर एक टाइप का, सो जो इमोशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो आलिया भट्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। आंखों में उनकी वो जो कशिश वो चमक है ना, मतलब बढ़िया एकदम फैंटास्टिक काइंड, यहाँ पे एक ब्रूटल बहुत ही जबरदस्त रोल होने वाला है। जिस तरह से उनका यार रोल भी मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है जो सुपर हीरो टाइप्स इस तरह की स्टफ होता है वो, उसमें हीरोइन का रोल जो है वो थोड़ा सा साइड लाइन हो जाता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आलिया भट्ट का मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है और जिस तरह से उनका बिल्कुल टीजर है तो वो रणबीर कपूर के साथ साथ वैसा ही लग रहा है जैसा आउट हुआ था, उस पर भी हमने रिएक्शन दिया था, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीजें नजर आ रही है दोनों के बीच में, और बढ़िया नजर आ रहा है जिस तरह से मूवी को ये शूट किया है। और इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें, सही बात है कि इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें, काफी ज्यादा टाइम लेके जो मूवी बनी है, और पर अगर इस जैसी मूवी फ्लॉप हो जाती है आई थिंक तो कोई शायद से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इतना पैसा इतना टाइम एक मूवी में नहीं देने वाला है जैसे बाहुबली में दिया था और वो इतनी ग्रैंड सक्सेस हुई। सो उसके बिहाफ पे देखा जाए तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने आई थिंक ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह उठाई हैं, ऐसी मूवीज उठाई हैं जिनमें वो टाइम ले रहे हैं ताकि वो एक बेहतरीन एक ग्रैंड मूवी आउट कर सकें और उतना ही प्रॉफिट भी ले सकें। तो वैसा ही कुछ इस मूवी के साथ है, 3 पार्ट्स में मूवी आ रही है, काफी देर से मूवी बन रही है तो उम्मीदें काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये फ्लॉप हो जाती है किसी भी कारण, चाहे वो स्टोरी राइटिंग नहीं हो या किसी भी चीज से, तो बहुत ही ज्यादा झटका लगने वाला है। तो बॉलीवुड के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड प्लस पॉइंट ये भी है कि ये मूवी किसी का रीमेक नहीं लग रही है, और ना ही रीमेक ऐसी कोई न्यूज भी नहीं सुनी कि किसी का रीमेक बना रहे हैं, कि रीमेक बना देते किसी चीज का तो साउथ मूवीज का, और ये बिल्कुल ओरिजिनल नया स्टफ लग रहा है, तो देख के बहुत मजा आएगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जिस तरह का ये कंसेप्ट है 3 पार्ट्स में है ये मूवी, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजा आने वाला है। आई होप जो है वो आपने हमारा रिएक्शन एंजॉय किया होगा छोटी सी क्लिप के लिए, जिस जो कि आलिया भट्ट को डेडिकेटेड है उनके बर्थडे पे। तो अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जैसे